हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल फाइंड फर्स्ट। थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग आज शोभन सरकार मंदिर जा रहे हैं। शोभन सरकार जाने के लिए आपको कल्याणपुर आना पड़ेगा। तो कल्याणपुर से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पर जब आप चलेंगे सिवली रोड के मार्ग से होते हुए, तो आपको शोभन सरकार पहुँच जाएंगे आप आसानी से। मार्ग बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सुगम बना हुआ है। तो चलिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको कराने ले जा रहे हैं शोभन सरकार के दर्शन। तो गाइस, जब आप कल्याणपुर से सिवली रोड की तरफ आएंगे, तो आपको ये IIT के कानपुर के पीछे का कैंपस दिखाई पड़ रहा होगा, बिल्डिंग्स दिखाई पड़ रही होंगी। और वहाँ से आप आएंगे तो आपको ये नहर मिलेगी, बारह सिरोही वाली नहर मिलेगी। इसमें पानी देखिए चल रहा है इस समय, बरसात का टाइम है इस वजह से। तो ये आपको नहर क्रॉस करनी होगी, और नहर क्रॉस करके आप ये सीधे चले जाएंगे। तो ये मार्ग सीधा आपका शोभन सरकार की तरफ जाता है। तो चलिए, इसी रास्ते को हम लोग पकड़ के आगे चलना है। गाइस, हम लोग कल्याणपुर से करीब 8 किलोमीटर अंदर की तरफ आ चुके हैं, और आपको बताया था कि ये जो मार्ग है बहुत ही अच्छा बन गया है पूरा। तो इसका यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, राज्य सड़क निधि 2021 कल्याणपुर शिवली मार्ग। तो इस पर करीब 3 किलोमीटर की लंबाई का ये मार्ग पूरा अच्छे से बना दिया गया है। उसमें लागत करीब, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 499.81 लाख, लगभग 5 करोड़ की लागत से इस मार्ग का निर्माण कर दिया गया है। तो देखिए, बहुत ही सुंदर मार्ग है। और यहाँ से शोभन सरकार केवल 12 किलोमीटर डिस्टेंस पर है, बागपुर यहाँ से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, और ये सिवली तक 17 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो रास्ता बहुत ही अच्छा है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस, ये जो रास्ता है बहुत ही अच्छा बना हुआ है, और ये रास्ता आगे की तरफ आपका शिवली की तरफ जाता है। शिवली से आगे जाएंगे तो आपको इटावा तक ये रास्ता ले जाएगा। और हम लोग अभी यहाँ पर रुक गए हैं, और हम लोगों को रास्ते में मकसूदाबाद, टिकरा, बागपुर मिला है। बागपुर से 10 किलोमीटर आगे आप आएंगे तो आपको संभलपुर का बोर्ड ये लगा मिल जाएगा। तो जब ये बोर्ड आपको मिल जाए तो आपको यहीं रुक जाना है, और यहीं से आपको अंदर की तरफ चलना है। तो चलिए, अंदर का रास्ता मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, क्या है रास्ता, क्या है, यही पकड़ के हम लोग शोभन मंदिर की तरफ जाने वाले हैं। तो चलिए, आप भी चलिए हमारे साथ, दर्शन करिए चल के। ये रास्ता पकड़ के आपको चलना है। ये धान के खेत, धान लगा हुआ है। आप अगर मंदिर आएंगे तो आपको अपने गांव की याद जरूर आएगी। देखिए गाइस, ये धान लगा हुआ है, कि धान को पानी बहुत चाहिए होता है, तो ये बरसात में ही लगाया जाता है। तो गांव का सुंदर दृश्य आपको यहां देखने को मिलेगा। तो गाइस, संभलपुर वाले मोड़ से चलते हुए हम लोग गाँव के अंदर से आ गए हैं शोभन सरकार। और देखिए, पीछे सुंदर सुंदर खेत आपको धान के दिखाई पड़ रहे होंगे, और जब आप थोड़ा सा और इधर की तरफ देखेंगे तो आपको ये झील दिखाई पड़ रही होगी। बहुत ही सुंदर और बहुत विशाल झील है जो आपको इस समय कैमरे में दिखाई पड़ रही होगी। इस झील का निर्माण भी जो शोभन सरकार मंदिर के उन्होंने कराया था, और ये बहुत विशाल झील है, कई सारे जलीय जीव इसमें रहते हैं। पानी बिल्कुल साफ है, और झील लबालब भरी हुई है, क्योंकि इस समय बरसात का टाइम चल रहा है, तो झील में पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। बहुत ही सुंदर झील है। तो गाइस, ये जो झील है, ये बहुत बड़ी झील है। ये झील पूरे चारों तरफ मंदिर के इस तरह से ऐसे बनी हुई है, और बीच में जो मेन मंदिर है वो आपको बीच में दिखाई पड़ रहा होगा, वहाँ पर मुख्य मंदिर है। उस तरफ भी आपको एक मंदिर दिखाई पड़ रहा होगा, वहाँ भी मंदिर है, उधर पीछे की तरफ मंदिर है। तो पूरे यहाँ कैंपस में 8 मंदिर हैं यहाँ पर। झील बहुत ही विशाल है, पूरे परिसर को देखिए कवर करते हुए आइए चारों तरफ से, ऐसे घूम के फिर आप देखिए इधर सामने की तरफ आप आएंगे। सुंदर और शांति प्रिय स्थान है ये, यहाँ पर आएंगे जब भी। तो गाइस, हम लोग मंदिर पे आ गए हैं। जैसे ही मंदिर के तरफ आप आएंगे तो आपको ये विशाल सा घंटा दिखाई पड़ेगा, और एक घंटा देखिए बोर्ड भी लगा हुआ, घंटा केवल आरती के समय ही बजाएं, तो बोर्ड लगा हुआ, बहुत बड़ा सा विशाल सा पीतल का घंटा है। जब ये बजाया जाता है तो पूरे परिसर में घंटे की ध्वनि गूंज जाती है, इससे वातावरण और भी अच्छा हो जाता है। बहुत ही शांतिप्रिय जगह मंदिर बना हुआ है, शहर से काफ़ी दूर है, शहर के कोलाहल से बिल्कुल पूरी तरह से दूर है। और तो चलिए, आपको हम ये आप देख रहे होंगे मुख्य मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। ये पूरा कैंपस आपको दिखाई पड़ रहा होगा, प्रांगण पूरा है, सुंदर सुंदर अशोक के पेड़ लगे हुए हैं। मंदिर बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर बना हुआ है। मंदिर की टाइमिंग सुबह 10:30 बजे से लेकर 1 बजे तक मंदिर बंद रहता है। अगर आप उस टाइम पे यहाँ पे आएंगे तो आपको मंदिर बंद मिलेगा। इस समय हम लोग आए हुए हैं, मंदिर खुला हुआ है, कैमरा अंदर अलाउ नहीं है, इसलिए हम आपको यहीं से
हनुमान जी के दर्शन करा रहे हैं। आपको दिखाते हैं, बहुत ही प्राचीन कुआं है और इस कुएं के बारे में बताया जाता है कि करीब ये 500 से 600 साल पुराना कुआं है। देखिए इसमें लिखा भी हुआ, बड़ा कुआं सभी तीर्थों का जल। कुएं में पानी पूरा भरा हुआ है, कुआं लबालब भरा हुआ है। बहुत ही प्राचीन कुआं है ये। पूरा परिसर बहुत ही अच्छा है। शोभन सरकार की विशेषता है कि यहाँ पर हनुमान मंदिर के ठीक सामने की तरफ आप देखेंगे तो ये वैदेही सदन लिखा हुआ है। यहाँ सीता माता और भगवान राम का मंदिर है। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं, जहाँ तक कैमरा अलाउ है वहाँ तक हम आपको ले जाएंगे। यहाँ पर हम लोग जूते उतार देंगे। देखिए मोर टहला यहाँ पर। भगवान राम और माता सीता के मंदिर वैदेही सदन से बाहर जैसे ही आप निकल के आएंगे तो आपको भगवान नर्मदेश्वर और माता अष्टभुजा के ठीक बगल में आप देखेंगे तो वाल्मीकि भगवान का मंदिर यहाँ बना हुआ है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। उसके ठीक बगल में आप देखिए श्री राधा कृष्ण धाम। तो इस तरह जो परिसर में अंदर कई सारे मंदिर बने हुए हैं, सारे भगवानों के आपको दर्शन कर सकते हैं आप आराम से यहाँ पर आके। ये महाप्रभु शेषावतार भगवान, भगवान लक्ष्मण जी का मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। भगवान लक्ष्मण यहाँ विराजमान है। यहाँ माता सीता, श्री राम भगवान, सामने हनुमान जी, वाल्मीकि मंदिर बना हुआ है, राधा कृष्ण धाम, शंकर जी, पार्वती माता का मंदिर। ये मंदिर आप देख रहे हैं, भवन देख रहे हैं, यहाँ पर भगवान अर्धनारीश्वर, भगवान दत्तात्रेय विराजमान हैं यहाँ पर बने हुए हैं। गाइस, शोभन सरकार मंदिर बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, मंदिर में कंस्ट्रक्शन चलता रहता है। चलिए अब आपको झील के उस पार ले चलते हैं। गाइस, झील को पार करते ही हमें सच्चिदानंद धाम मिलता है, जिसके अंदर एक बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है, झील के बीचों बीच बना हुआ है। चलिए आइए उसके दर्शन करते हैं। गाइस, हम मंदिर आ चुके हैं, आप भी देख सकते हैं। अब हम आपको बाबा शोभन सरकार की कुटिया के दर्शन कराते हैं, जहां स्वामी विरक्तानंद जी रहे थे। तो सामने ही ये कुटिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। चलिए अब बाहर चलते हैं। सामने ही एक मंदिर है, इसके भी आप दर्शन कर सकते हैं। अब हम आपको पूरा एक व्यू दिखाते हैं शोभन सरकार का, आप देख सकते हैं। गाइस, मंदिर घूमने में काफी टाइम लगता है। मंदिर में अगर आपको प्रसाद चढ़ाना है तो बाहर बनी कई दुकानों से आप ले सकते हैं। गाइस, अब हम वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।